नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सीटेट सिलेबस की। सीटेट सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सिलेबस के साथ साथ बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। इन सारी बदलाव को सीटेट एग्ज़ाम देने वाले लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप वास्तव में सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसे हम लोग एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप CTET.NIC.IN यानी CTET का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर चले आइए। जब CTET के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए। नीचे जो ही स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पहला नोटिफिकेशन करंट इवेंट में देखिए ये दिख रहा है, प्रेस रिलीज डेट 30/7/2021 रिगार्डिंग नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम। जो आने वाला अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम है उसके लिए यहाँ पर प्रेस रिलीज किया गया है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। देखिए हमारे साथ ये PDF है, PDF डाउनलोड हो चुका है। इस PDF में बहुत सारे बातों को हम लोगों को बताया है इस प्रेस रिलीज में, इन्हें हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला चीज इसमें है, पहला चीज कि अब CTET का एग्जाम ऑनलाइन होगा यानी आपको कंप्यूटर पर जाकर के एग्जाम देने होंगे। कहाँ पर एग्जाम आप देंगे? कंप्यूटर से एग्जाम देंगे, कीबोर्ड के सहायता से या वर्चुअल कीबोर्ड की सहायता से आप इसको एग्जाम को देंगे। तो पहला बदलाव हुआ कि पहले आप ऑफलाइन एग्जाम देते थे, अब आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे इसके बारे में आप मॉक टेस्ट पहले ही दे पाएंगे। मॉक टेस्ट दूसरा बदलाव, दूसरा चीज यहां पर जो बतलाया गया है, मॉक टेस्ट आप पहले ही दे पाएंगे। मॉक टेस्ट कहां पर देंगे? प्रत्येक जिले में एक CTET का सेंटर होगा और वहां पर आप जा करके बिना पैसे के मॉक टेस्ट को दे सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से CTET का एग्ज़ाम हमको देना है। दूसरी बात, जो हर एक जिला में होगा CTET सेंटर और वहाँ पर जा कर के आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे कर के जान सकते हैं। देखिए, हम आपको आपके मोबाइल तक स्मार्टफोन में ही किस तरह से CTET का ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है ये मैं बताऊँगा। इसके लिए आप हमारा SB एग्ज़ाम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। SB एग्ज़ाम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और SB एग्ज़ाम ऐप में हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन जिस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा उसी तरह का प्रैक्टिस सेट हम आपको अवेलेबल कराएंगे। ये 15 सेट होगा। कितने सेट होंगे? 15 सेट होंगे जो हमारे ऐप पर होगा। तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं SB एग्ज़ाम को। साथ ही साथ ये 15 सेट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल SB एग्ज़ाम, वहाँ पर भी आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। वहाँ पर PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो जो अभी तक हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक 5000 से अधिक लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ चुके हैं और बहुत सारे PDF का लाभ ले रहे हैं। तो दो बदलाव हमने आपको अभी बतलाया, पहला बदलाव कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, दूसरा कि आप जा कर के जिले के केंद्र पर मॉक टेस्ट दे सकते। तीसरा चीज, रटने का जमाना चला गया, अब रटना मना है। रटना मना है मतलब फैक्चुअल नॉलेज
जो तथ्यपरक होता है, तथ्यों पर आधारित, जैसे गांधी जी की मृत्यु कब हुआ, गांधी जी की मृत्यु कब हुआ, ये एक तथ्य पर आधारित है, रटने वाला चीज है। इसको कोई नहीं समझा सकता कि बाबू इधर से जोड़ा, इधर से घटाया, इधर से ये किया, यहां से ये किया तो ये निकल के आया। तो जो रट्टा मार वाला है, ये रट्टा मार वाला अब नहीं चलेगा। सबसे बड़ी चीज है, रटना मना है, रटना मना है, अब रट्टा मार नहीं चलेगा। तो अब क्या चलेगा, समझ पर आधारित, समझ पर आधारित प्रश्न रहेंगे। किस तरह के प्रश्न रहेंगे, समझने पर आधारित प्रश्न रहेंगे। इसमें चौथा चीज क्रिटिकल थिंकिंग, यानी गहन सोच विचार, गहन सोच विचार करके जिसका आंसर आप निकाल सकते हैं, इस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ रीजनिंग, देखिए रीजनिंग पहले रेलवे में होता था, बैंक के एग्जाम में होता था, अब आपके सीटेट में भी होगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को सोचना पड़ता है, बिना सोचे आंसर नहीं दे सकता, वहां पर रटने का कोई जगह नहीं है, रटने का कोई जगह नहीं है। तो हम एक दो दिनों के अंदर सीटेट रीजनिंग का एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, सीटेट रीजनिंग का, जहां से आप रीजनिंग को आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सोच करके आंसर दे सकते हैं, और आपके सीटेट के सिलेबस के अनुसार होगा। तो हम आपको सीटेट में किस तरह के प्रश्न आएंगे रीजनिंग वाले, इसको हम बताएंगे। साथ ही एप्लीकेशन, मतलब उपयोग वाला। देखिए क्या होता है कि लोग बीए पास कर जाते हैं, एमए पास कर जाते हैं, लेकिन बैंक में एक चेकबुक निकालने के लिए एप्लीकेशन लिखने नहीं जानते हैं। डिग्री तो उनके पास में बीए एमए बीएड सब कुछ है, लेकिन सब थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली नहीं है। उन्हें यदि घर में चोरी हो गया, थानेदार के पास आप उसको एक एप्लीकेशन लिखने कहेंगे तो ऊपर देखने लगता है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को समाहित किया जाएगा जो डेली के उपयोग के लायक होगा। मतलब यहाँ पर सीटेट अथॉरिटी कह रहा है कि हम ऐसे लोगों को टीचर बनने के लायक हम समझते हैं, जो जिनकी नॉलेज, सोचने की नॉलेज हो, जो बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर सके। मतलब केवल हम उसको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दें, प्रैक्टिकली नॉलेज दें, और ये प्रैक्टिकली नॉलेज जो नया शिक्षा नीति लागू हुआ है, इसमें ये कहा गया है कि बच्चों को केवल थ्योरी वाला नॉलेज दे देने के बाद जब कॉलेज पास आउट होते हैं या कोई भी चीज़ से पास आउट होते हैं, तो उनके पास केवल एक डिग्री होता है, हाथ में कोई हुनर नहीं होता है। तो अब ऐसे टीचरों की बहाली करनी है जो बच्चों में हुनर भर सके, तो इस बात पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखें, मुख्य बदलाव, अच्छा ये सीटेट अथॉरिटी ने बताया है, सीबीएसई ने बताया है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है या तो दिसंबर में होगा या जनवरी 2022 में होगा, दिसंबर 2021 में या जनवरी 2022 में। तो आपके पास अब समय कितने बचे हुए, अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना आपके पास समय है, यानी 4 महीना लगभग आपके पास समय है। 4 महीने में आपको ये सभी सिलेबस जो नए पैटर्न पर आधारित है पूरा करना है। तो इसके लिए तैयारी अभी से शुरुआत कर दीजिए। अभी से यदि तैयारी आप नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, नया बैच में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा
व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए। इसके पहले के जितने भी सीटेट का एग्ज़ाम हुए हैं सभी में हमने हजारों लड़कों को मतलब क्या कहते हैं पास आउट करवाया है। हमारे संस्था के द्वारा हजारों लड़कों ने सफलता पाई है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ करके और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो या तो हमारा SB एग्जाम ऐप डाउनलोड करके सीटेट कोर्स को परचेज कर लीजिए, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हमारे ग्रुप में जुड़िए और हमसे जुड़ करके तैयारी करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। फिर कोई नया अपडेट आता है हम आपको जल्द ही जल्द पहुँचाएंगे।